हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है एंड अभी आप देख रहे हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। एंड यहाँ से ना हम ऑटो लेंगे और जाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भवन में। एंड इससे पहले मैंने ना 2-3 भवन ट्राई कर रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट लिंक कर दूँगी। एंड अभी हम जा रहे हैं एक भवन पे जहाँ पे हमको ऑथेंटिक खाना मिलेगा और वो है महाराष्ट्र सदन। महाराष्ट्र सदन में जाके हम महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक फूड ट्राई करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भवन में जाते हो ना, आपको एक प्रॉपर खाना, एक वाइब मिलती है। एंड एंट्री पे ना आपको अपना एक आईडी कार्ड देना होता है, जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे, दिस इज़ ऑल फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। एंड हम आगे बढ़ेंगे एंड हम जा रहे हैं अभी वो मेस की तरफ। एंड एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ की टाइमिंग आप ज़रूर देख के जाना, क्योंकि टाइमिंग्स के थोड़ी ही कंस्ट्रेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड आपको लेके चलते हैं हम महाराष्ट्र सदन के भवन के खाने के, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रंच के लिए, अभी आपको आगे जाके हम बताते हैं। सो लेट्स गो। और ये हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र सदन की कैंटीन की ओर। एंड जैसे आप देख रहे हैं, अभी ना अराउंड 3:30 का टाइम था, तो इस चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो अभी आपको मैंने ये जगह दिखा दी है एंड अभी चलते हैं एंड मेन्यू देखते हैं, लेट्स गो। हेलो जी, यहाँ हम बैठे हुए हैं एंड आपको मेन्यू दिखाती हूँ। मुझे ना इस मेन्यू की बेस्ट पार्ट ये लगी है कि यहाँ का ना रेट बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप प्रॉपर महाराष्ट्रियन फूड खाना चाहते हैं तो ना नॉर्मल अगर आप बाहर मार्केट में जाके किसी जगह पे खाएंगे ना, वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे एकदम पॉकेट फ्रेंडली था। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और ये रहा हमारा सारा लंच, जो काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में रीज़न डाल दूंगी। एंड ये है कांदा भाजी, फिर है साबुदाना वड़ा, उसके बाद वड़ा पाव, मिसल पाव और है सोल कढ़ी। तो चलिए चलते हैं, खाते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ लेना इसका रीज़न, जो हमें लंच के बाद का ब्रेकफास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। सो चलिए अब खाना खाते हैं, लेट्स गो। शुरुआत करने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा बेवरेज पीते हैं, तो ये मैंने पी थोड़ी पहली बार सोल कढ़ी। एंड इसका प्रॉपर व्यू मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, बट उससे पहले चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करने जा रहे हैं कांदा भाजी, दैट इज़ अनियन के पकौड़े। बट मैं सच बताऊँ, ये जो महाराष्ट्रियन अनियन के पकौड़े होते हैं ना, ये कांदा भाजी, दिस इज़ हाईली टोटली ऑन डिफरेंट लेवल। एंड मैंने इसको पहले ट्राई कर रखा है बहुत बार, यहाँ नहीं बट वैसे कांदा भाजी मैंने खा रखी है। एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको खाने के लिए, बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड इसने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया, इसमें इतनी ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं, और हर एक बाइट अलग अलग थी। एंड एंड तक ये क्रिस्पी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लाइट फील आ रही थी, ऑयली नहीं लग रहा था। एंड दिस इज़ लाइक, यार ये क्या सही चीज़ है। अगर आपने कांदा भाजी नहीं खाया है ना, आप पक्का खाओ। अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं मिसल पाव। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पाव दे रखे हैं एंड मिसल दे रखी है। मिसल बेसिकली मोठ की सब्ज़ी होती है एंड उसके ऊपर में ना सेव होता है, जो नमकीन होता है। एंड ये हम अभी ट्राई करने जा रहे हैं। मुझे ना मिसल पाव एक काइंड ऑफ अच्छा लगता है, अच्छा नहीं भी लगता, बिकॉज प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है इसके अंदर में, कि मोठ की सब्ज़ी किस बेस पे बनी हुई है, क्योंकि ऊपर का जो सेव है ना, वो तब भी फेमिलियर होता है, बट मोठ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं अपनी सबसे पहली बाइट महाराष्ट्र सदन के मिसल पाव की। एंड ये थोड़ा मिक्स करने के बाद ना प्रॉपरली इसको डालो एक अच्छा सा पोर्शन अपने पाव पे। एंड इसके बाद हम इसकी पहली बाइट लेंगे। अब ये हमारी जो पहली बाइट है ना, इससे मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि यहाँ की मोठ की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, आई इन मिसल पाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड इसके ऊपर जो सेव था ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी था, मतलब एंड तक जब हम इसको खा रहे थे ना, प्रॉपरली इसका क्रिस्पीनेस थी। एंड मोट की जो सब्ज़ी थी ना, जो मिसल था, उसका जो टेस्ट था ना, वो ऐसा था कि हेवनली फील आ रही थी। मतलब ये मान लो कि बटर पनीर मसाला एंड उसके साथ में आप थोड़ा सा मिक्स वेज डाल दो, उस मिक्स को कॉम्बिनेशन करोगे ना, तो उसका जो फ्लेवर है ना, वो हेवनली फील आ रहा था, जो बहुत टेस्टी लग रहा था। एंड इसमें हम थोड़ा सा नींबू शीबू डाल के हम इसकी जो मिसल है उसको हम अलग से ट्राई कर रहे हैं सब्ज़ी को। एंड इट वॉज क्वाइट डिलिशियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, फुलफिलिंग बहुत ही ज़्यादा मील है ये, यमी। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं द फेमस वड़ा पाव।
वड़ा पाव ना अगर किसी ने नहीं खाया है ना, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ लाइक देसी बर्गर जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली रेट पे आपका पेट बहुत ही मस्त तरीके से भरता है। एंड ये हम ट्राई करने जा रहे हैं अपनी पहली बाइट महाराष्ट्र सदन के वड़ा पाव की। एंड खाने में देखो, अगर आपने वड़ा पाव नहीं खाया है ना, तो आप यहाँ पक्का खाओ, बिकॉज एट अ प्रॉपर रेट आपको बहुत ही ऑथेंटिक मिलता है। एंड जिन लोगों ने खा रखा है ना वड़ा पाव, उनको ये थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज मुझे ना एकदम फ्रेश वाला जो वड़ा पाव मैंने ट्राई कर रखा है ना, जो एकदम वाओ वाली फील देता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट उन सब चीज़ों को असाइड रखते हुए ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आलू था, अंदर एकदम लाइट स्पाइसीनेस थी, एंड इसका जो थेरचा था, जो लाल चटनी जो होती है ना, उसकी वजह से हल्का सा स्पाइसी किक था। एंड इसमें जो अलग से मिर्ची मिलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो ऑल इन ऑल, एज़ पर द प्राइस एंड टेस्ट एंड मेकिंग, चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बाहर जितने मैंने ट्राई कर रखे हैं ना वड़ा पाव, उसके सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अभी दिल्ली में। बाकी तो आगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जब आप जाओगे ना, तो वो ऑब्वियसली आपको एकदम बहुत ही अच्छा वाला ऑथेंटिक गर्मा गर्म एकदम मुँह में घुलने वाला मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो मस्ट ट्राई इट आउट। अगर आपने वड़ा पाव कभी ट्राई नहीं करा है, यू विल लव इट। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं साबुदाना वड़ा, जो कि मोस्टली ना, जहाँ तक मुझे याद है, व्रत के टाइम में भी हम ट्राई कर लेते थे इसको। एंड यहाँ का ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एंड डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ना कि हम ये लंच के बाद का ब्रेकफास्ट का सीन हुआ क्या है। तो अभी चलिए हम पहली बाइट लेते हैं साबुदाना वड़ा की। एंड जैसे आप देख रहे हैं ना, ये अंदर से एकदम प्लेन है, बट बाहर से हल्का सा क्रिस्पी दिख रहा है। एंड इसको हम दही के साथ ट्राई करेंगे। एंड ये हमारी पहली बाइट। एंड खाने में ना देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्लेन साबुदाने का टेस्ट है। बट इसके अंदर में ना पीनट्स का भी टेस्ट आ रहा है, तो जो हल्का सा अलग सा ट्विस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सिंपल है, पीनट्स का टेस्ट है, चीज़ अच्छी है। एंड जिसको एकदम सादा प्यारा प्यारा सा खाना पसंद है ना, उसको ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा खाने में। इट वॉज़ डिलिशियस। और अब हम ट्राई करने जा रहे हैं सोल कढ़ी। एंड इसके बारे में आपको बताती हूँ, ये ना टेस्ट थोड़ा सा मट्ठे का टेस्ट दे रहा था, जिसके अंदर में ना एकदम स्पाइसी स्पाइसी हरी मिर्ची वाले फ्लेवर आ रहा था। एंड दो इसके अंदर कोकोनट ज़्यादा होता है सोल कढ़ी के अंदर में, बट इसका टेस्ट कोकोनट के आसपास में कुछ भी नहीं था। पीने में ना ऐसे मट्ठा और स्पाइसी हरी मिर्ची को कॉम्बिनेशन कर दो ना, काइंड ऑफ वैसा ही फ्लेवर था इसका, तो ये मुझे ठीक लगा। मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, एंड मैंने पहली बार सोल कढ़ी यहाँ की ट्राई करी। डेजर्ट ट्राई करने से पहले ना, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कांदा भाजी और चाय का कॉम्बिनेशन, जो कि पकौड़े और चाय का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एंड ये तो बेस्ट है। चलिए आगे बढ़े। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल डिश पे, दैट इज़ श्रीखंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डेजर्ट है। एंड ये हम पहली बाइट ले रहे हैं, एंड ओह माय गॉड, दिस इज़ सो डैम क्रीमी। एकदम ना मैंगो का टेस्ट आ रहा था, एंड इसके साथ इलायची का टेस्ट आ रहा था। इसमें थोड़े थोड़े काजू भी थे और इलायची के दाने भी थे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसका जो स्मूद और सिल्की जो फ्लेवर और टेक्सचर था ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मीठे का जो कंसिस्टेंसी थी ना, बहुत ही कम थी, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं था। थिकनेस जो थी इसकी, एकदम जो नॉर्मल दही होता है ना मीठा वाला, उससे थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे आप देख रहे हैं। एंड इलायची का बहुत ही ज़्यादा यम टेस्ट आ रहा था, मतलब दिस इज़ सो डैम डिलिशियस, मस्ट ट्राई इट आउट। तो यहाँ पे हमारा लंच के बाद का ब्रेकफास्ट का सिस्टम कंप्लीट होता है। एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारे भवन भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखें, हम आपको जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।